हेलो दोस्तों, स्टडी मैन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक और वीडियो लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए, जिस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक हायरिंग चैलेंज के बारे में। जिस हायरिंग चैलेंज में अगर आप लोग पार्टिसिपेट करते हो और अगर आप लोग का रैंक अच्छा होता है तो आप लोग को कैश प्राइज भी आप लोग जीत सकते हो, और साथ ही साथ आप लोग प्री प्लेसमेंट इंटर्नशिप में भी आप लोग पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सकता है। और इसके अलावा भी आप लोग को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी आप लोग को दिया जाएगा। तो इस हायरिंग चैलेंज के बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जाकर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो आपको भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, TVS ने हाल ही में क्रेडिट एपिक का सीजन 3 अनाउंस किया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये एपिक चीज़ है क्या। तो यहाँ पे आप एपिक का फुल फॉर्म देख सकते हैं, ई फॉर एनरिच, पी फॉर परफॉर्म, आई फॉर इनोवेट और सी फॉर चैलेंज। और इसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप लोग को डेयर टू कम्पीट के प्लेटफॉर्म पे आना है। और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग डेयर टू कम्पीट के प्लेटफॉर्म पे जाके आप एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि डेयर टू कम्पीट के प्लेटफॉर्म पे आप लोग को बहुत सारे ऐसे हैकाथॉन, क्विज, चैलेंज आप लोग को मिलते ही रहते हैं। तो ये अच्छा है कि आप लोग पहले से डेयर टू कम्पीट पे अपना अकाउंट क्रिएट करके रखो। और लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप लोग TVS क्रेडिट का सीजन 3 में रजिस्टर कर सकते हो। अच्छा, तो इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एपिक का फुल फॉर्म क्या है, ये यहाँ पे बताया गया है। और एपिक में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एनालिटिक चैलेंज होने वाला है, स्ट्रेटेजी चैलेंज होने वाला है, IT चैलेंज, फाइनेंस चैलेंज, ये सब होने वाला है। और जिसमें HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्लानिंग, IT बैकग्राउंड के स्टूडेंट भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये जो 4 चैलेंज होने वाले हैं, इस 4 चैलेंजेस में आप लोग किसी भी चैलेंज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और सभी चैलेंजेस में जो फर्स्ट प्राइज विनर रहेंगे उनको 1 लाख रुपीस कैश प्राइज मिलने वाला है, सेकंड प्राइज विनर को 75,000 कैश प्राइज मिलने वाला है, थर्ड प्राइज विनर को 50,000 रुपीस मिलने वाला है, और स्पॉट प्राइज अमाउंट भी 50,000 रुपीस है। और इसके अलावा भी आप लोग को प्री प्लेसमेंट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी मिलने वाला है, और आप लोग को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है इस चैलेंज में अगर आप लोग पार्टिसिपेट करते हो तो। तो इसके बाद यहाँ पे आप लोग टर्म्स एंड कंडीशन में यह देख सकते हो कि इसमें रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लिया जा रहा है, और इस कंपटीशन में जो फुल टाइम स्टूडेंट है वही लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और सभी टीम को एक टीम लीडर यहाँ पे आप लोग को डेजिग्नेट करना पड़ेगा। और जूरी ऑफ जजेस में TVS क्रेडिट टीम के एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री लीडर्स भी रहने वाले हैं। और इसके अलावा भी यहाँ पे और भी टर्म्स एंड कंडीशन है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों का कुछ डाउट रहा तो आप लोग ये जो ईमेल आप देख पा रहे हो इसमें आप लोग अपने क्वेरीज रहा तो आप पूछ सकते हो। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 4 सेक्शन में ये चैलेंज होने वाला है, आप लोग इन 4 में से कोई भी एक चैलेंज चूज करके आप लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। और इन सभी चैलेंजेस में पार्टिसिपेट करने का लास्ट डेट है 24 सितंबर, तभी बस 2 ही दिन बचा है। तो वीडियो देखने के बाद जल्द से जल्द रजिस्टर करके रखिए। अच्छा, सपोज माने कि आप पहला जो चैलेंज है स्ट्रेटेजी चैलेंज, इसमें आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो फर्स्ट प्राइज विनर रहेंगे उनको 1 लाख रुपीस कैश प्राइज मिलने वाला है, सेकंड प्राइज विनर को 75,000 रुपीस कैश प्राइज मिलने वाला है, और थर्ड प्राइज विनर को 50,000 रुपीस कैश प्राइज मिलने वाला है। और टीम साइज में आप यहाँ पे देख सकते हो कि मिनिमम 2 से मैक्सिमम 3 मेंबर आपके टीम पे हो सकते हैं, और एक टीम के मेंबर सिर्फ और सिर्फ एक ही टीम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करके आते हैं तो यहाँ पे आप डेट देख पा रहे हो कि एलिजिबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ MBA स्टूडेंट ही इस स्ट्रेटेजी चैलेंज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और राउंड 1 में यहाँ पे ऑनलाइन क्विज होने वाला है, जिसमें 20 सवाल आपको पूछे जाएंगे और 25 मिनट्स के अंदर आप लोग को आंसर करना है। यहाँ पे नीचे डेट्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो और टाइमिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हो, क्विज टाइमिंग। राउंड 2 में केस स्टडी चैलेंज होने वाला है, और उसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ग्रैंड फिनाले में प्रमोट किया जाएगा, और इसके बाद ही ग्रैंड फिनाले होने वाला है, और इसके बाद जूरी द्वारा रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। और पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल बी स्कूल्स आर एलिजिबल, और जो फुल टाइम स्टूडेंट रहेंगे वही लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और टीम चैलेंज में मैंने आपको पहले ही बताया कि मिनिमम 2 स्टूडेंट और मैक्सिमम 3 स्टूडेंट हो सकते हैं, और टीम मेंबर को अपने डिटेल्स वेरीफाई करना पड़ेगा, और एक पार्टिसिपेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही टीम के मेंबर हो सकते हैं। टीम फॉर्मुलेशन गाइडलाइंस में आप यहाँ पे देख सकते हो कि टीम को 24 सितंबर से पहले रजिस्टर करके रखना है। तो ऐसे यहाँ पे और भी बहुत सारे जो क्राइटेरिया से आप यहाँ पे देख सकते हो, और सभी गाइडलाइंस को देखने के बाद आप लोग रजिस्टर करके रखिए।
बिल्कुल वैसे अगर आप लोग यहाँ पे एनालिटिक्स चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे जाके आप लोग क्लिक कीजिए। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो फर्स्ट प्राइज विनर को कितना प्राइज मनी मिलने वाला है, सेकंड प्राइज विनर, थर्ड प्राइज विनर को कितना प्राइज मनी मिलने वाला है। और अगर आप लोग यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट, एमबीए स्टूडेंट एलिजिबल है। और इसके अलावा भी इसमें भी राउंड वन होने वाला है, राउंड टू में केस स्टडी सबमिशन होने वाला है, ग्रैंड फिनाले होने वाला है। तो ऐसे यहाँ पे और भी जो दो चैलेंजेस है उन चैलेंजेस में भी आप लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग देर ना करें क्योंकि बस 2 ही दिन बचा है अभी। तो वीडियो देखने के बाद जल्द से जल्द रजिस्टर करके रखिए और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इन चैलेंजेस में से कोई भी एक चैलेंज को चूज करके वो लोग पार्टिसिपेट कर सके। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताएं। और अगर आप लोगों ने अभी भी हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।